हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी लोग। सो चलिए शुरू करते हैं। टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट IES यूनिवर्सिटी। ओके, तो चलिए आज इसके बारे में कुछ अपन कंप्लीट के अंदर डिस्कस कर लेते हैं कि कब ये स्टार्ट हुई थी, क्या इसका प्लेसमेंट सीन है, क्या ये कॉलेज अच्छा है बुरा है, इसमें एडमिशन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, क्या सारा सीन है, स्टूडेंट लाइफ कैसी होती है, हॉस्टल कैसा है, एडमिशन डिपार्टमेंट कैसा है, प्लेसमेंट कैसा होता है, कंपनीज कैसी आती है, तो चलिए देख लेते हैं। और स्टूडेंट फीडबैक क्या रहा है, राइट। सो यार, सन 1999 के अंदर एक प्राइवेट कॉलेज स्टार्ट किया गया था। दिस इज इन मध्य प्रदेश भोपाल के अंदर ये जो है कॉलेज सिचुएटेड है। ओके, एंड दिस इज एन प्राइवेट टाइप कोर्स कॉलेज। दिस इज प्रोवाइडिंग जस्ट लाइक BA, BTEC, MBA एंड PGDM एंड जस्ट लाइक डिप्लोमा कोर्सेस, MTEC, ME। ओके, मेनी कोर्सेस आर प्रोवाइडिंग एंड दिस इज एन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग इन BTEC, मैकेनिकल, सिविल एंड इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड जस्ट लाइक पावर इंजीनियरिंग एंड डिजाइनिंग एंड अदर कोर्सेस आर प्रोवाइडिंग। ओके, अब अपन इस कुछ बात करते हैं प्लेसमेंट एंड जस्ट कैंपस के बारे में कि भैया कैसा कैंपस है, कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है इसका। ओके सर, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं इसके इंफ्रास्ट्रक्चर की। इंफ्रास्ट्रक्चर इज गुड, नॉट फॉर बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट नहीं है, लेकिन गुड, नॉर्मल, इट्स गुड, ओके, वेरी गुड। ओके, एंड जस्ट लाइक ग्रीन कैंपस है, एकदम लस ग्रीन, हरा भरा कैंपस है। और इसको जो है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने जो है ग्रीन कैंपस भी का अवार्ड भी दिया है। जो है हरा भरा कैंपस है, ठीक है। स्पेशली प्राइवेट कॉलेज जितने भी होंगे, ठीक है, जितने भी ऑल ओवर द इंडिया में प्राइवेट कॉलेज होते हैं, आप वहाँ पर जाते हैं, देन आपका जो है वो मन मोह लेते हैं, ठीक है। इतना मतलब वहाँ पर वो लोग लगा के रखते हैं, एकदम हरियाली, लस ग्रीन कैंपस, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, शीशे लगे हुए हैं, तो बच्चों का जो है मन मोह जाता है वहां पे कि आहा क्या कॉलेज है ये, राइट। सो जस्ट आपको इन सब के चक्कर में नहीं पड़ना है, ठीक है, कैंपस अच्छा होना चाहिए, लेकिन जस्ट मेन इंपॉर्टेंट है आपका प्लेसमेंट, स्टडीज एंड टीचर्स। ओके, तो द कॉलेज हैज गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, रूम्स, बिल्डिंग एंड ग्रीन हाउस, जस्ट लाइक लस ग्रीन कैंपस एंड स्पोर्ट्स, सेमिनार, कंप्यूटर लैब, मेडिकल सर्विसेज एंड जस्ट लाइक वर्कशॉप एंड कैंटीन एंड मैनी, ठीक है, समझ गए आप लोग। अब अपन बात करते हैं कुछ जस्ट लाइक प्लेसमेंट का क्या सारा सीन है, राइट, एंड फैकल्टी कैसी है यहाँ पे। ओके, सो यार जस्ट लाइक जो है टीचिंग जो मेम्बर्स जो पढ़ाते हैं, द फैकल्टी मेम्बर्स वो हेल्प इन लर्निंग आर नॉर्मल एंड गुड एंड वेरी गुड। ओके, एंड देर आर वेरी पंक्चुअल विद अ गुड स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग एंड आर हाईली क्वालिफाइड एंड नॉलेजेबल। कुछ टीचर्स हैं, बहुत सारे टीचर्स आर फ्रेशर्स, ठीक है, नॉन एक्सपीरियंस्ड, एंड वो जो है बच्चों को बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं भी कर पाते। कुछ स्टूडेंट्स की ऐसा भी कहा है, कुछ ने कहा कि बहुत अच्छे टीचर हैं, हमें बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ाया। कुछ ये लोग बोलते हैं कि जस्ट एक ही टीचर पांच सब्जेक्ट पर आ रहा है। यार ये जो प्रॉब्लम है सब जगह आ रहा है, क्योंकि कॉलेज वाले क्या करते हैं, एक ही टीचर को हायर करते हैं, बोलते हैं कितने सब्जेक्ट पढ़ाएगा, तो टीचर बोलता है आप जीता कहोगे साहब उतना पढ़ा देंगे हम, तो हमें तो बस सैलरी दे दो, दाल रोटी मिल जाए बस। तो कॉलेज वाले कहते हैं कि ठीक है, तो इस किस में स्पेशलाइजेशन किया, इसमें इससे 5-6 सब्जेक्ट उसको पकड़ा देते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ये, चाहे गवर्नमेंट हो या चाहे प्राइवेट हो, टीचर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है, लेकिन कॉलेज चाहता है कि उसको मैक्सिमम प्रॉफिट हो, राइट, मैक्सिमम प्रॉफिट। जैसे हम सब्जी लाने जाते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि धनिया हमारे साथ फ्री मिल जाए, बिल्कुल हम कभी ये नहीं चाहते कि धनिया का भी हम पैसा दें, हम चाहते हैं सब्जी ले रहे हैं तो धनिया भी हमें फ्री मिल जाए। वैसे कॉलेज वाला चाहता है कि भाई ये जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स पढ़ा रहा है, तो ठीक है इसको इंग्लिश भी दे देते हैं, इंग्लिश और हिंदी भी तू ही पढ़ा दे, राइट। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है प्राइवेट कॉलेजों वालों का। यार टीचर की कोई बहुत ही ज़्यादा सैलरी नहीं मिलती, लेकिन आई थिंक जो है इन लोगों को इस पर फोकस करना चाहिए। इसी एक कॉलेज की बात नहीं कर रहा मैं, टोटली कॉलेजों की बात कर रहा हूँ। ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम मेरे को देखने को मिल रहा है कॉलेजों का, द कॉलेज रियलिटी शो के अंदर या फिर द CUET द कॉलेज रियलिटी प्राइवेट कॉलेज शो के अंदर। ये एक दिस इज अ वेरी बिग इशू रिगार्डिंग द कॉलेजेज की जो है टीचर्स का ये प्रॉब्लम है, एक लेक्चर बेसिस वाला प्रॉब्लम है, इनकी परमानेंट नहीं रखते बेचारों को, राइट। अब हम बात करते हैं प्लेसमेंट की, तो प्लेसमेंट क्या से हो रहा है। यार प्लेसमेंट आर नॉर्मल बट नॉट गुड इन दिस अदर ब्रांचेस एक्सेप्टेड देन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। कुछ स्टूडेंट्स का मेरे पास ये कंसर्न है कि भैया जो है द कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स आर वेरी लकी टू गेटिंग द प्लेसमेंट बिकॉज एवरी कंपनी कम्स सीएस ब्रांच स्टूडेंट्स ओनली, राइट। और मैकेनिकल वाले जो बच्चे हैं या फिर इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे हैं उनके पास कम अपॉर्चुनिटी है। और जो कॉलेज वाले जो है चीटिंग करें हमारे साथ और जो है वेबसाइट पर वो दिखाते हैं कि जो
का प्लेसमेंट इतना लाख का हुआ, लेकिन रियलिटी ये है कि प्लेसमेंट सीएस वाले बच्चों का इतना लाख का हुआ है। मैकेनिकल वाले को नहीं दे रहे कोई जॉब, इलेक्ट्रिकल वाले को नहीं दे रहे, बहुत सारे बच्चों को जॉब है वो 7 से लेकर 15 हज़ार पर मंथ पर दी जा रही है। तो दिस इज एन चीटिंग, ये एक फ्रॉड है। स्टूडेंट्स ने कुछ ऐसा भी फीडबैक दिया है, राइट। सो एंड जस्ट यार, अगर अपन फीडबैक की अगर अपन बात करें तो फीडबैक इज रियली गुड, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है बच्चों का कि भैया जो है यहाँ पे कुछ अच्छी अच्छी कंपनी जाती है, जस्ट लाइक प्लेसमेंट कोई 6 लाख दे रहा है, कोई 8 लाख दे रहा है, 2 लाख भी गया है, ठीक है। एवरेज प्लेसमेंट की अगर अपन बात करें तो एटलीस्ट 2 से 2.5 लाख रुपए का एवरेज प्लेसमेंट यहाँ पे रह रहा है। और जस्ट जो है फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है अच्छी फैसिलिटीज़, जस्ट लाइक वाईफाई है, लैब्स है, क्लासरूम है, लाइब्रेरी है, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ है, ठीक है, हॉस्टल फैसिलिटीज़ है। फैकल्टी की अगर अपन बात करें तो जस्ट लाइक कुछ अच्छी फैकल्टीज है, टीचर्स आर क्वालिफाइड एंड सम टीचर्स फ्रॉम दिस अच्छे अच्छे IITs NITs से भी 1-2 टीचर यहाँ पे है, ठीक है। द टीचर ऑलवेज ट्राई टू टीच मोर प्रैक्टिकल देन थ्योरेटिकल नॉलेज, या प्रैक्टिकल वाले का तो IIT में भी नहीं हो रहा, ठीक है, आजकल तो तुमको प्राइवेट वालों में तो प्रैक्टिकल कौन ही करवा देगा, ठीक है। एंड जस्ट बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये बोला है कि द लर्निंग इज एटलीस्ट ठीक ठाक चल रहा है, कंडीशन उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है लेकिन नॉर्मल, ठीक है। एंड अगर अपन कुछ और स्टूडेंट्स की फीडबैक देखें यहाँ पे तो ऑलमोस्ट फीडबैक इज़ गुड। एंड एक ये स्टूडेंट्स का कंसर्न था कि भैया यहाँ पे जो है CSE के लिए बच्चे बहुत ज़्यादा डिमांड करते हैं, देन जो है इन लोगों ने जो है CSE जो डिपार्टमेंट है उसका फीस थोड़ा हाई कर दिया है। तो आई थिंक मेरे को इसका कोई ऑफिशियल प्रूफ तो नहीं मिला, लेकिन अगर ये लोग ऐसा करते हैं देन यू कैन रेज द कंप्लेन रिगार्डिंग दिस, बिकॉज ऑलमोस्ट जो कोर्सेज होते हैं उसकी फीस सेम रहती है। BTech जो आपका ब्रांच होता है मैकेनिकल की सेम रहेगी, सिविल की सेम रहेगी, कंप्यूटर साइंस की सेम रहेगी, एंड जितने भी BTech के कोर्सेज हैं फीस सबकी सेम रहेगी। ये ऐसे लोग बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ठीक है। एंड आई थिंक किसी बच्चे ने मेरे को बोला था, ऑफिशियल तो मेरे पास इसका कोई अपडेट नहीं है, कि भैया जो है इसका 55,000 है, देन अदर कोर्सेज का 49-45 ऐसे कुछ। ये जो CSE का डिमांड यहाँ पे बहुत ज़्यादा है इसलिए लोगों ने CSE का प्राइस हाई कर दिए। दिस इज़ रियली रॉन्ग। अगर आपके साथ ऐसा होता है कि मैकेनिकल वालों की फ़ीस इतनी है और CSE वालों की 10-15 हज़ार ज़्यादा ले रहे हैं, तो आप इसके रिगार्डिंग कंप्लेन रेज करा सकते हैं। ऐसा कोई इंडिया में रूल है नहीं कि जस्ट जो है जिस ब्रांच का प्रकोप ज़्यादा उसकी फ़ीस हाई कर देंगे और अदर की फ़ीस लो कर देंगे, तो ऐसा दिस इज नॉट प्रोबेबली, और जस्ट ये बहुत गलत है। और जस्ट आपको जो भी डिपार्टमेंट है वो पूरा सपोर्ट करता है, आप उनसे कॉन्टेक्ट करिए, पूछिए कि भैया इतना क्यों ले रहे हो, इसका इतना कम कैसे ज़्यादा, ठीक है। एंड ये आई थिंक दिस इज़ नॉट ऑफिशियली, ऐसा कुछ नहीं है, सभी की जो फीस है दिस इज़ नॉर्मल। अगर BTech करा रहे हैं BTech कि सारे कोर्सेज की फीस नॉर्मल रहेगी, ठीक है, बराबर एकदम एटलीस्ट, राइट। अब हम इसको मार्क्स डिवाइडेड करते हैं कि भैया कितना मार्क्स देंगे इस कॉलेज को। तो यार फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज एन प्राइवेट बॉडी, 1999 में स्टार्ट हुई है, खूबियां कामियां बहुत सारे कॉलेजों को देखने को मिलती है, लेकिन इसकी जो खूबियां कामियां ज्यादा खूबियां कामियां हर कॉलेज में होती है, इसमें भी है। टीचर वाला प्रॉब्लम मैंने आपको बताया था, ठीक है। एंड कैंटीन वगैरह ऑलमोस्ट कैंटीन में जो खाना है IITs में भी अच्छा नहीं बन रहा है, प्राइवेट में तो क्या ही बनेगा, ठीक है। यह कोई खूबियां कामयाब नहीं होती। तो प्रॉब्लम कहाँ होती है, एक होती है प्लेसमेंट के अंदर। प्लेसमेंट में क्या होता है, CSE का प्लेसमेंट दिखा देते हैं कि भैया 92% प्लेसमेंट हो रहा है हमारे यहाँ पे, CSE का दिखा देते हैं वो, लेकिन क्या होता है रियल के अंदर मैकेनिकल में 7,000 से लेकर 15,000 तक प्लेसमेंट हो रहा है, इलेक्ट्रिकल या फिर प्रोडक्शन में मान लो प्लेसमेंट हुआ ही नहीं है, राइट। सो ये सारी आप इनको ध्यान में लेके चलें। और एक बात मैं आपको बिल्कुल दिल से बता दूं कि जो भी आप प्राइवेट कॉलेजों में जाते हैं और देखते हैं वहाँ पे जो प्लेसमेंट लिखा होता है वो मैक्सिमम प्लेसमेंट CSE डिपार्टमेंट का ही होता है, हाँ, लेकिन दिस इज़ द रियलिटी की जो भी कंपनी आती है ओपन फॉर ऑल, कोई भी बच्चा चाहे मैकेनिकल का हो, सिविल का हो, इलेक्ट्रिकल का हो, वो जो भी कंपनी आती है उसमें अप्लाई करता है, उनका कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता कि कौन बच्चा अप्लाई कर सकता है कौन नहीं करता, ओपन फॉर ऑल फील्ड। लेकिन उसके अंदर एक शर्त ये होती है कि जस्ट आपके मार्क्स से GPA डिपेंड करते हैं कि आपके इतने मार्क्स अगर है देन यू कैन अप्लाई नाउ, ठीक है। और इसके अंदर भी कुछ अच्छी अच्छी कंपनीज विजिट करती है, अगर अपन बात करें जैसे कि कंपनीज लाइक कॉन्जुगेंट, SAP, बिटवाइस एंड जो भी है ये TCS वगैरह, HCL है, इन्फोसिस है, राइट। सो कुछ अच्छी कंपनीज प्रोवाइड होती है, ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर रोल ऑफर्ड एंड कुछ अच्छी अच्छी कंपनीज यहाँ पे विजिट करती है, जैसे IBM है एंड FT है, TCS है, PGO है, टाटा मोटर्स है, राइट। सो दिस इज गुड। एंड प्लेसमेंट उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है लेकिन हाँ नॉर्मल है,
तो भैया क्या हमें यहाँ पे एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? यार फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूँ आपको, इस बार इस यूनिवर्सिटी ने जो है CUET के अंदर भी पार्टिसिपेट किया है, आपकी जानकारी के लिए बता दूँ। CUET में जो है CUET एक बहुत अच्छा एग्जाम है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ट्राई यही करना है कि आपको एक अच्छा सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिले, बहुत अच्छा सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिले। अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं मिलता है देन यू कैन गेट द एडमिशन इन स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस, और आप जस्ट किसी अच्छे NIT IIT वगैरह में ट्राई करें, ठीक है। लास्ट मोमेंट पे अगर आपको बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजों में नहीं हो पाता देन आप जो है इसमें भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन जस्ट आपको जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंड अदर टॉप स्टेट यूनिवर्सिटी में जो मज़ा आने वाला है वो ऐसे कॉलेजों में आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस। और जस्ट हाँ, हमारा जो है मिशन कंप्यूटर साइंस एंड टॉप गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज गारंटेड एडमिशन प्लान इज रनिंग स्पेशली फॉर CUET JEE मेन एंड अदर मेनी मेनी स्टूडेंट्स, तो यू कैन एनरोल नाउ, गेट द एडमिशन इन योर डिजायर कॉलेज डिजायर ब्रांच एंड जस्ट लाइक हेल्पलाइन नंबर अवेलेबल इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड गूगल फॉर्म इज अवेलेबल, सो चेक आउट द लिंक एंड लीव योर लाइफ। थैंक यू सो मच, खूब पढ़ते रहिए, छोटों से प्यार करिए, बड़ों का सम्मान कीजिए। धन्यवाद।